वेपन की एंचेंटमेंट आर्मर पे लगा दी, आर्मर की एंचेंटमेंट टूल्स पे लगा दी, टूल्स की एंचेंटमेंट वेपन्स पे लगा दी, और मेरे बो पे तो पता नहीं कौन सी दुनिया के एंचेंटमेंट्स लगे हुए हैं। टक्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है। खाली बोतल चाहिए क्या तुझे? खाली बोतल? हाँ खाली बोतल चाहिए इसे। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, पानी मैं पी लूंगा, बहुत पानी पी जाऊंगा, और एंडर ड्रैगन के सामने जाके पेशाब करूंगा मैं। स्लीट है ये लोंडा। यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, प्लीज प्लीज मेक इट हैपन, प्लीज मेक इट हैपन, बाय बाय बाय। Alright guys, what's going on? Welcome back to our gameplay video. So guys, हम दोबारा से खेलने वाले हैं Minecraft. आ गए फिर से तमाशा देखने। और गाइस आज है एक और नया कस्टम वीडियो डे, जहां पे गाइस मैंने कुछ ओपी फर्नेसेस को गाइस ऐड किया है। क्या क्या? हां गाइस, फर्नेसेस। फर्नेस क्या करते हैं? वो स्मेल्टिंग ही तो करते हैं, लेकिन गाइस आज की वाली वीडियो में मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड फर्नेसेस को गाइस ऐड कर दिया है। और गाइस एक नहीं दो नहीं, टोटल 6 फर्नेस यार, 6 फर्नेसेस को मैंने ऐड कर दिया है। और गाइस जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब मुझे पता चला कि ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है, ऐसी चीज एग्जिस्ट भी नहीं करनी चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और गाइज यार मैं ये ओवर पावर्ड है, एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइज, ये तुम लोगों को पता चलेगा वीडियो में। तो गाइज वीडियो एंड तक देखना, और यार कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्यों नहीं? और गाइज अगर तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और यार लाइक गोल यार, व्यूज बढ़ते जा रहे हैं लेकिन तुम लोग लाइक करते ही नहीं हो। अरे क्या करूं, मार भी नहीं सकता। तो गाइज इस बार मैंने गाइज लाइक गोल कम कर दिया है, 25 लाइक्स, 40 से सीधा 25 लाइक्स पे आ रहा हूँ मैं। तो प्लीज कुछ तो लिहाज रखो मेरा, प्लीज यार काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो तुम लोग बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हो लाइक बटन दबा के। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। तो गाइज 25 लाइक्स कर दो, और इसी के साथ गाइज शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रवचन। हियर वी गो। अरे भाई साहब अभी ये कैसा स्पॉन दे दिया स्नो बायो में? अरे नहीं, ये तो मैं किसी माउंटेन के टॉप पे, इसीलिए यहाँ पे स्नो है, ये जैसे पता ही नहीं था हमें। हम लोग एक ना फटाफट से काम करते हैं, यहाँ से धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, मुझे जाना है गाइस उस विलेज में। नो गॉड प्लीज नो नो, उस विलेज में जाना है, वहां पे जाने से पहले एक काम करते हैं ना यार, फटाफट से अपने सुपर स्लो स्टोन के टूल्स क्रिएट कर देते हैं फटाफट से। ऑलराइट। तो गाइस देखो ये है फर्नेस की वीडियो है यार, कस्टम फर्नेसेस को गाइस मैंने ऐड किया है, इसीलिए गाइस मैं कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड चला गया, और यार कोबलस्टोन थोड़ा ज्यादा ही माइन कर लिया मैंने, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। तो गाइस मैं फटाफट से आप लोगों को दिखा देता हूं कि अपने पास कितने सारे फर्नेसेस, ये देखो 6 फर्नेसेस है, और गाइस इनमें से सबसे ज्यादा इजी कौन सा हो सकता है? तो इसके लिए लैपिस लाजुली नहीं, अभी नहीं, ये डायमंड नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके लिए आयरन इनगट लगता है, ये जरूर क्राफ्ट कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए रेडस्टोन, ये भी नहीं, अभी डिगिंग करने के लिए जाना पड़ेगा, फार्मिंग के लिए गोल्ड, इसको भी अभी क्रिएट नहीं कर सकते, और इसके लिए एमरल्ड। ओके, तो ये कौन सा है? रैंडमाइजर फर्नेस, और ये कौन सा था? अपग्रेडिंग फर्नेस। तो गाइस ये ऐसे दो फर्नेसेस है कि जो हम लोग फटाफट से क्राफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस मैंने अभी अपने सामने एक विलेज को डिस्कवर किया, फटाफट से उस गांव में चलते हैं और गाइस उनको लूटते हैं यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी भाई इनको लूट के, इनको इतना ज्यादा लूटा है मैंने, विलेजर्स को इतना ज्यादा लूटा है कि भाई वो लोग नकली है, मैं गेम खेल रहा हूँ वो विलेजर्स नकली है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगने लगा है कि उनकी बद्दुआ मुझे रियल लाइफ में सताने लगी है। मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। ये देख लो यहाँ पे तो आयरन गोलेम भी मिल गया है यार, इसको काटेंगे, इसका आयरन इंगट लेंगे, और हम लोग फटाफट से अपना पहला फर्नेस बनाएंगे। आ गया क्या? आ गया, और ये मैं ऊपर चढ़ गया, अभी क्या करेगा बोल, फटाफट से इसका आयन इंगट लेते हैं। और गाइस हम लोग तैयार है अपना पहला कस्टम फर्नेस क्रिएट करने के लिए, तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो ब्लैकस्मिथ भी है, तो इसके घर में चल के देखते हैं ना कुछ तो अच्छी चीजें मिल ही जाएगी। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। अरे ये देख लो यहाँ पे तो ऑलरेडी फर्नेसेस वगैरह है, तो इसके घर में कुछ है? अरे आयन इंगट है भाई, है एप्पल भी लगेगा भाई, लगेगा। एक काम करते हैं ना, देखो ओ भाई भाई भाई, मैं नीचे गिर जाता ना मर जाता सही में, मौत को छू के हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। भाई ये कैसा विलेज है, ये रविंग के बीचों बीच विलेज बसा हुआ है। ले, सुना क्या,
ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। नहीं नहीं बाबा नहीं मेरी गलती। इनका घर देखो, उसका घर देखो भाई, उसका घर देखो, कैसे कैसे जाएगा वो घर के अंदर। मैं नहीं बताऊंगा। ये फटाफट से ये यहाँ पे मैंने इसे रख दिया, एक रख दिया इसके बीच में, ये बन गया हमारा अपग्रेडिंग फर्नेस। फटाफट से इसको यहाँ पे रखो और भाई करो भाई करो, वुड जला रहा है ये। ओके ओके लेट्स सी कि प्लैंक को जलाने से क्या मिलता है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा, बता तो भाई बता बता बता। कोबल स्टोन। मैं नहीं मानता। एक मिनट वापस एक बार, एक और बार, क्या देगा ये क्या देगा। वन इटर्निटी लेटर। आयन इंगट दे रहा है भाई। एक और बार यार, एक और बार, और लालच भाई, और लालच करेंगे हम लोग तो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या देगा अबे मैं तो गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहा था, ये तो डायमंड दे दिया। वेट अ सेकेंड अगर मैं इसको एक और बार यहाँ पे रख दू तो। Oh my god, okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. कैसे हो सकता है, वीडियो शुरू करके 5 मिनट भी नहीं हुए और मुझे ऑलरेडी गाइस नेदरराइट का इनगट मिल चुका है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। आई एम द लकीएस्ट मैन अलाइव। मैंने बोला था भाई, मैंने बोला था कि ये चीज एग्जिस्ट भी नहीं करनी चाहिए, ये इतनी ज्यादा ओवरपावर्ड है। थैंक्स, लव यू भाई। भाई भाई मजे आने वाले। ये देखो सामने तो कोयला भी है, वुड जलाने की कोई जरूरत भी नहीं है। फटाफट से काम करते हैं, ये कोयला दे दो, सारा का सारा मुझे कोयला चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि गाइस हमारे पास नेदरराइट को कोई फर्नेस था, लेकिन डायमंड का जरूर था। यस गाइस, यस डायमंड का जरूर था। इन सारे के सारे फर्नेसेस की मदद से भाई साहब हम लोग मॉब्स को क्या ही तोड़ेंगे भाई, तोड़ेंगे, कतई लगने वाली है उनकी तो। देश संकट में है भाई। यार खाली सोचो कि मैंने बस आयन इंगट से बना हुआ फर्नेस जब मैंने क्रिएट किया, तब मुझे इतनी ज्यादा ओपी चीजें मिली है। अब जब मैं डायमंड का फर्नेस क्रिएट करूंगा तब क्या ही मिलेगा। फटाफट से एक और फर्नेस क्रिएट कर दो मेरे लिए। वेरी गुड। और ये क्या मिला है, मल्टीप्लाइंग फर्नेस है। ये क्या है, मतलब अगर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और अभी क्या देखा। रुको देखने दो जरा क्या मिलता है, देखने दो हमको भी। अरे भैया, अरे ये क्या देख लिया मैंने, अभी एक आयन इनगट की इसने 16 आयन इनगट कर दिए। जलवा है हमारा यहाँ एक आयन इनगट के। भाई रुक जा, तेरा ट्रांसफॉर्मेशन रोक दे। इसका ट्रांसफॉर्मेशन रोकना पड़ेगा। चल, मेरे दिमाग भाई, मेरा दिमाग इतना ज्यादा सही दौड़ रहा है ना आज। ये लिया मैंने डायमंड और ये डायमंड मैंने डाल दिया इसके अंदर। कर दो भाई, कर दो। 16 डायमंड मिलेंगे ना। अरे मिलेंगे भाई, मिलेंगे। 21 दिन में पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। एक काम कर, 4 को रख दिया, एक स्टैक तो सुबह तक मिल ही जाएगा। मतलब मुझे तो अंदर कौन सो रहा है, क्लेरिक। अरे उठ जा यार, मेरे को सोने दे। कुछ शर्म हया है? नहीं भाई, मुझे कुछ शर्म हया नहीं है। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? मैं यहाँ पे देख गेम खेलने आया हूँ, तुम लोग गेम के कैरेक्टर्स हो, तो तुम लोग के लिए सिंपथीज मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। खाना यार, खाना नहीं है मेरे पास। शिट, प्लीज टेल मी कि तू ये एप्पल भी मल्टीप्लाई कर सकता है, प्लीज। क्यों नहीं। यस, मैं इस एप्पल को अगर अपग्रेडिंग फर्नेस में डाल दूं तो इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। वेट अ सेकंड, मुझे देखना है क्या मैं इसको अपग्रेडिंग फर्नेस में डाल सकता हूँ। नहीं यार, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। कम ऑन, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट। शायद उसके लिए ये देखो, ये रहा फार्मिंग फर्नेस बोलते हैं यार उसे, वो चाहिए उसके लिए। और मेरे को खाना चाहिए गाइस ना, खा रहा है जाडिया। पर हम लोग को एमराल्ड भी चाहिए, क्योंकि गाइस एमराल्ड का भी एक फर्नेस है। अभी एमराल्ड का कौन सा फर्नेस है ना मुझे नहीं पता, लेकिन देखना पड़ेगा। फकीर गांव है ये तो एकदम। अरे नहीं है, दो चार गांव और है वहां पे, लेकिन बीच में इतनी बड़ी रवीन है। मैं रिस्क बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं ऐसा बोल के कूद जाऊंगा मैं। ये सब दोगलापन है। क्या कितना दोगला आदमी हूँ यार मैं। ओए रुक, अबे रुक ना। अरे हट ना यार, ये दे सकता है, ये मुझे एक एमराल्ड दे सकता है। बस एक ही एमराल्ड चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। देख लालच नहीं है मुझे, साले तू। मुझे बस एक ही एमराल्ड चाहिए। ओ भाई दे ना यार। हाँ, एक ही चाहिए। रख ले, बाकी के 6 क्लेस तू ही रख ले साले कचरे के आइटम।
मेरा माल चुरा कर मेरे को ही बेचता है। फटाफट से यहाँ पे एक स्मिथिंग टेबल गाइस हम लोग क्रिएट कर देते हैं। स्मिथिंग टेबल ये आ गया हमारे पास। स्मिथिंग टेबल भाई डायमंड ही डायमंड हो चुके हैं यार मेरे पास, काफी ज्यादा डायमंड हो चुके हैं। अभी मुझे डायमंड नहीं चाहिए, पैसे की कमी नहीं है। ये रैंडमाइजर वाला क्रिएट कर देते हैं। ऑब्वियसली नाम से हम लोग को पता चल रहा है इसकी एक रैंडम आइटम देता होगा। अरे हट जा यार हट जा, क्यों खड़ा है तू यहाँ पे? मेरी मर्जी। ये यहाँ पे कोल वोल कोल को ही जला रहा हूँ मैं। वाह 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 वाह, कोल को ही स्मेल्ट कर रहा हूँ मैं यार। कोल खत्म होने को आया है मेरा। ओ ट्राइडेंट, मिरेकल मिरेकल, कैसे? एक और बार प्लीज प्लीज प्लीज, ट्राइडेंट कैसे दे दिया इसने? कैसे दे दिया ट्राइडेंट? ओ भाई ये क्या दे दिया इसने, और इस टाइम अलग दिया है। ये देखो नहीं यार, वापस से तू ही स्मेल्ट हो जा, मुझे नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? क्या मिला है? देख लो ये रैंडम भाई कुछ भी देता है। तो ये फर्नेस बेसिकली गाइस एक यूजलेस फर्नेस है। ये क्या बात हुई यार। मुझे अभी भी गाइस विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पहले ही ट्राई पे गाइस मुझे ट्राइडेंट मिल गया। भाई बढ़िया। अभी ये क्या है ब्राउन? अरे नहीं यार, मैं तो तुझे यूज करने ही नहीं वाला हूँ। काफी हो गया यार, काफी नाटक कर रहा है ये। एक काम कर देते ना, फटाफट से गाइस हम लोग हमारे लिए एक डायमंड का सेट क्रिएट कर देते हैं। ये हो गया। One hour later. गाइस जस्ट लुक एट मी। तूने सब्यसाची पहना है क्या जो तुझे देखूं? आई वेंट फ्रॉम जीरो आर्मर टू डायरेक्टली नेदराइट आर्मर। बीच में मैंने लेदर का आर्मर स्किप कर दिया, गोल्ड का आर्मर स्किप कर दिया, आयरन का आर्मर स्किप कर दिया, और डायमंड का भी आर्मर स्किप कर दिया। डायरेक्टली नेदराइट आर्मर, द बेस्ट आर्मर इन द गेम। चीटिंग करता है तू। ये देख लो सीरियस डेडिकेशन। क्यों? क्योंकि भाई नेदरराइट की भी हो मैंने क्रिएट कर दी है। नेदरराइट की हो कौन क्रिएट करता है, कौन यूज करता है यार? फटाफट से अभी हम लोग एक काम कर देते कि गाइस आगे की जो हमारे फर्नेसेस है उनको गाइस लैपिस लजुली लगने वाली है। फिर ये तो मैंने क्रिएट कर दिया, रेडस्टोन लैपिस लजुली रेडस्टोन ये तो नीचे ही मिलेंगे, और गोल्ड का इनगट ये भी गाइस नीचे ही मिलेगा। तो गाइस हम लोगों को फटाफट से माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो फटाफट से केव ढूंढे और चलते हैं माइनिंग के लिए। निकल पकौड़े, कोई जरूरत नहीं घर पे तेरी, पहली फुर्सत में निकल। धीरे 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 भाई धीरे धीरे, बिल्कुल भी धीरे चलना हम लोग को, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। नीचे कूद सकते हैं हम लोग। यप 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 यप। भाई मुझे मॉब्स तो दिखाई दे रहे भाई, ये बहुत बुरा होने वाला। जिस भी मॉब से मैं लड़ने वाला हूँ ना, हॉस्टाइल मॉब से, अभी जिस भी मॉब से मैं लड़ूंगा भाई, ये काफी ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि वो लोग मुझे डायरेक्टली नेदरराइट के आर्मर में फेस करने वाले। अरे सारे जुल्म हम गरीब बच्चों के साथ ही क्यों होते हैं? ओके तो गाइस हमारे पास अभी 3 फर्नेसेस बचे हैं, उसके लिए लगने वाले हैं हमें लैपिस लजुली रेडस्टोन और गाइस गोल्ड का इनगट। हम करते हैं प्रबंध। चौथा फर्नेस गाइस हम लोग क्रिएट करते हैं, और ये है गाइस फार्मिंग फर्नेस। वेरी गुड। और फार्मिंग है तो ऑब्वियसली खाने की चीजें रखनी होगी इसके अंदर। खाने के लिए मेरे पास तो आई थिंक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स है। तो एक काम कर, ये बता जरा, ट्रांसफॉर्म करके बता कि क्या दे सकता है तू। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। ओ ओ भाई, एप्पल का इसने गोल्डन एप्पल क्रिएट कर दिया। एप्पल को गाइस कन्वर्ट कर दिया है गैपल में। वेरी गुड। और एक के बदले चार मिले, 2 के बदले 8। ओ भाई बढ़िया यार, बढ़िया। वेट अ सेकंड, रुको जरा, सबर करो। मेरे दिमाग में वापस से वही खुराफती आइडिया आ रहा है। क्या मैं गैपल को गाइस नॉच एप्पल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्यों नहीं? जी हाँ, यस। कम ऑन, प्लीज मेक इट हैपन, बाय। भाई गोल्डन एप्पल के बदले नॉच एप्पल। ओ भाई, अरे यार रखो, तुम लोग भी क्या ही याद रखोगे, रख लो यार। ये इन सबको ट्रांसफॉर्म करते रहो तुम लोग, तब तक मैं अपना एक काम करता हूँ ना, मल्टीप्लाइंग फर्नेस को इस काम पे लगाते हैं। मैंने बोला था ये वीडियो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है, मतलब मुझे देख लो तुम लोग, 50 ऑलमोस्ट 1 स्टैक ऑफ ट्राइडेंट है मेरे पास, सारे के सारे मेरे टूल्स नेदरराइट के, मेरा पूरा का पूरा आर्मर नेदरराइट का है, जो कि अभी थोड़ी देर में एन्चेंट भी हो जाएगा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? अगर मैं इसके साथ भी मरता हूँ तो भाई मैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नूब हूँ, अगर मैं इसके साथ भी मरता हूँ तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। थोड़ा सा और कॉबलस्टोन चाहिए था मुझे अपने 2 नेक्स्ट फर्नेसेस के लिए, बाकी तो अपना काम हो चुका है। अच्छा भाई आजा, तू तो मेरी पहली बलि चढ़ेगा भाई, पहली बलि चढ़ी है इसकी मेरी। और एक क्रीपर चाचा, आओ। नहीं, आपको फटने जरूर नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल भी फटना नहीं है, क्योंकि गाइस मुझे चाहिए थी इसकी गन पाउडर। शायद से लावा की तरफ रेडस्टोन दिख गया, और वहां पे आगे ही लैपिस लजुली है। यो यो यो
यो थोड़ा सा ही चाहिए था मुझे रेडस्टोन, ज्यादा नहीं चाहिए यार, लालच थी मुझे, बिल्कुल भी लालच नहीं है। मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। डायमंड के स्टैक्स पड़े हैं मेरे पास और मैं बोल रहा हूँ लालच नहीं है मुझे। ये सब दोगलापन है। ट्राइडेंट तो है मेरे पास लेकिन यार एक जगह पे ना ऐसा स्टोर नहीं कर पा रहा। वेट कर दिए क्या मैंने? शायद से कर दिए। हाँ अगर मैं ऐसा करता हूँ तो nope. अबे सारे के सारे चले गए, पागल दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? एक ही झटके में 58 ट्राइडेंट शूट कर दिए इसने। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। फटाफट से ये यहाँ पे क्या क्या, एक में तो ये डलता है, ये पोशन फर्नेस बन गया और एक और बचा था वो था एंचेंटिंग फर्नेस ना। अरे रुको रुको रुको, इसको भी क्रिएट कर देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, इसको यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया। इसको मैं क्या डालूं पोशन सरफेस के लिए? यार मुझे बोतलें लगेंगी, बोतलें तो है नहीं मेरे पास, तो अभी क्या ही कर सकते। शिट, देखो गाइस हम लोग पोशंस तो क्रिएट नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं ना, अपना जो दूसरा वाला फर्नेस है एंचेंटमेंट फर्नेस, उसकी मदद से हमारा आर्मर टूल्स वेपन सब कुछ फटाफट से अपग्रेड कर लेते हैं, एंचेंट कर लेते हैं। मस्त प्लान है। A few moments later. अबे तलवार पे कौन प्रोटेक्शन लगाता है? तलवार पे कौन प्रोटेक्शन लगाता है? प्रोटेक्शन टू, अबे ये क्यों 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 मेरे जान के दुश्मन बने पड़े हो तुम लोग? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गाइस देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो मेरा पूरा का पूरा आर्मर एंचेंटेड है, सारे के सारे टूल्स एंचेंटेड है, शील्ड एंचेंटेड है, सूट एंचेंटेड है। भाई मैं तो कंप्लीटली तैयार हूँ क्योंकि इतने ज्यादा ओपी एंचेंटमेंट्स मुझे मिल चुके हैं। चल झूठा घंटा, कुछ भी कोई भी एंचेंटमेंट उठा के किसी पे भी लगा दिए। वेपन की एंचेंटमेंट आर्मर पे लगा दी, आर्मर की एंचेंटमेंट टूल्स पे लगा दी, टूल्स की एंचेंटमेंट वेपन्स पे लगा दी, और मेरे बो पे तो पता नहीं कौन सी दुनिया के एंचेंटमेंट्स लगे हुए हैं। टक्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है। ये देख लो गाइस, ये देख लो नेदरराइट के हेलमेट पे क्या एंचेंटमेंट्स लगाई है, फायर एस्पेक्ट, नॉक बैक, पावर, एफिशिएंसी 1, और जो एंचेंटमेंट्स यहाँ पे लगनी चाहिए वो स्वॉर्ड पे क्या लगी है, प्रोटेक्शन 1, प्रोटेक्शन 2, कर्स ऑफ बाइंडिंग, लॉयल्टी, इन्फिनिटी, मल्टी शॉट, इम्पेलिंग। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल कर्स ऑफ बाइंडिंग। ओ माय गॉड भाई मेरे दिमाग की नसें फट गई क्योंकि मुझे एक एंचेंटमेंट, एक प्रॉपर एंचेंटमेंट के लिए गाइस बहुत तड़पना पड़ा है। क्या इतना बुरा हूं मैं मां? सबसे घटिया फर्नेस है तू, मुझे नहीं पता कि कौन से नशे में तुझे बनाया गया था लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं चखना वो। चीची कितनी गंदी भाषा यूज कर रहा है बच्चों के सामने। ओ भाई 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 काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ मैं, लेकिन एक काम करते फटाफट से चलते अभी नेदरराइट में चलते हैं। यार क्या बोला तूने? नेदर में चलते, नेदरराइट क्या बोल रहा हूँ मैं। फटाफट से एक हेलमेट क्रिएट कर देते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं हम लोग। अरे यार हेलमेट पहन ले यार, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अरे वाह, मेरे पास सोल स्पीड की एंचेंटमेंट तो है लेकिन गाइस ये वर्क क्यों नहीं कर रही है, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि वो एंचेंटमेंट लेगिंग्स पे लगी है, जूतों पे नहीं। शाबाश, ये अच्छा कर दिया तुमने, ये अच्छा कर दिया भाई। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। कि भाई वो वहाँ पे खड्डे में मेरा पोर्टल है और ये यहाँ पे फोर्ट्रेस भी मिल गया। थैंक यू। आगे बढ़ो। कहाँ कूद सकता हूँ मैं, कहीं पे भी तो नहीं कूद सकता, ये आग लगाएगा अभी कुत्ते का बच्चा। कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, चींटी ने काटा है। देख यार ब्लेज, आसान सरल भाषा में बोल रहा हूँ, चुपचाप एक रॉड दे दे, मैं तेरे स्पॉनर के पीछे नहीं जाऊंगा, तेरी बिरादरी वालों को नहीं मरूंगा, बस तुझे मरना पड़ेगा, तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक ब्लेज रॉड दे दे, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। कोई तरीका है भीख मांगने का? ओए भीख नहीं मांग रहा, तेरे पूरी की पूरी बिरादरी को खत्म कर सकता हूँ मैं, इतना पावर है मेरे हाथ में अभी। रॉड मिल गया, मेरा काम हो गया, मुझे बस अभी एंडर बायोम ढूंढना है। और गाइस अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि बाकी की ब्लेज रॉड कहाँ से लाऊंगा, तो गाइस यार हमारे पास है मल्टीप्लाइंग फर्नेस, वो सब कुछ संभाल लेगा। तो गाइस देखो यार, मैं वार फॉरेस्ट के खोज में तो निकला था एंडर पर्ल हासिल करने के लिए, लेकिन यार फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल ऐसा था कि गाइस मेरे पास गोल्ड इनगट्स है और वार फॉरेस्ट कब जाके मिलेगा पता नहीं, इसीलिए गाइस मैंने सोचा क्यों ना पिगलिन से ट्रेडिंग की जाए, तो बस यही कर रहे हैं हम लोग अभी। वो एंडर पर्ल्स भी दे दिए, एंडर पर्ल्स भी मिल गए। वेरी गुड। अभी नहीं भाई, अभी हम लोग नहीं डरेंगे, वाटर बॉटल मिल चुकी है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई फर्नेस में डाल देंगे। आली रे आली, माझी बारी आली। खाली बोतल चाहिए क्या तुझे? खाली बोतल चाहिए इसे, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, पानी मैं पी लूंगा, बहुत पानी पी जाऊंगा और एंडर ड्रैगन के सामने जाके पेशाब करूंगा मैं। श्लीट है ये लोडा। ये बढ़िया भाई, ये बढ़िया पोशन होता है, स्ट्रेंथ का पोशन मिला है। वेरी गुड, ऐसे ही पोशन चाहिए हम लोगों को। ये क्या स्लोनेस? अभी ये मुझे थोड़ी चाहिए। तो
गाइस देखो काफी सारे पोशन क्रिएट करने के बाद मेरा रिव्यू पोशन फर्निश के लिए ऐसा है कि गाइस कभी कभी ये काफी ज्यादा बुरे पोशन देता था, कभी कभी काफी अच्छे पोशन देता था। Sometimes may be good, sometimes may be shit. Ender Dragon के पास मेरे लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है। बता भाई बता, तू बता भाई तू बता, तुझे किस तरीके से मरना है। मेरे पास स्वॉर्ड है, मैंने आज तक तुझे ट्राइडेंट से नहीं मारा है, मेरे पास बो है, मेरे पास वापस ये पोशन वगैरह है, मेरे पास टीएनटी है। बता भाई तू तू बस बता, तू नाम ले किस किस तरीके से तुझे मरना है। तेरी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। घर जाना है मुझे, घर जाना है। बिल्डिंग ब्लॉक साथ में रख लेते हैं और ये टेलीपोर्ट करने की नौबत पड़ी तो इसलिए उसको भी साथ में रख लेते हैं अभी के लिए। अभी के लिए फटाफट से, अभी यहाँ पे तो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें है नहीं, तो बताओ यार बताओ किस दिशा में जाना है हम लोगों को। फटाफट चलते हैं एंडर ड्रैगन की खाल उधेड़ने। वेट अ सेकंड, आई थिंक सो कि वी आर डेफिनेटली क्लोज यार, ऐसे हो ही नहीं सकता। ए देखो कंप्लीटली घूम गया भाई, कंप्लीटली घूम गया ये। नाउ आई एम डेफिनेटली श्योर। ओए हे, ये देखो डायरेक्टली अंदर कूद गया मैं। बढ़िया 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 बढ़िया। अभी बताओ भाई, बताओ कहाँ जाना है भाई, कहाँ जाना है। चलो, ये रास्ता मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। यहाँ पे है कि एक काम करते, इसको पहले देख लेते कि ये ज्यादा कहाँ। अरे दोनों सेम ही जगह पे तो जाते हैं, कहाँ है। एंडरमन की आवाज आ रही है मुझे। दरवाजे खोलते रहो। अरे खोलना भाई खोलना, क्या दिक्कत है तुझे। आगे 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 आगे। अरे रुको यार, ये लो मेरे पिकैक्स पे फ्लेम लग चुकी है। वेरी गुड एंड बॉयज वी आर अगेन गुड टू गो। तो एंडर ड्रैगन की पिटाई चले शुरू करते हैं। आ गया। अरे हाँ, दी एंड में ही पहुंच चुके हम लोग, तो टेंशन मत ले, बस ऊपर पहुंचा दे मुझे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? वो रहा हमारा एंडर ड्रैगन, कैसे उड़ रहा है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। तो रुक, मैं आता हूँ, तेरा बैंड तो मैं बजाऊंगा। और ये मैंने डाला एंडर पर्ल, गया। ओ शिट, लैंड नहीं हुआ। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। जाने दो, सीधा वहीं पे जाने दो। मेरा पहला निशाना एंडर ड्रैगन पे लगा है। लगा दो। वेरी गुड। कहाँ है मेरी फ्लिंट एंड स्टील, कहाँ है भाई। एन मोमेंट पे फ्लिंट एंड स्टील गायब हो चुकी है। जला दो। वेरी गुड। नाइस वन। आजा नीचे, एक और बार नीचे आजा, तुझे बताता हूँ मैं। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अभी कहाँ है? आजा भाई नीचे, वापस से आएगा, वापस से आ रहा है भाई, ये तो वापस से आ रहा है, वापस से मरना चाहता है ये। मैंने लगा दिया। पोशन कहाँ है मेरा पोशन। मुझे बस इसके नीचे जाना है। और पहुंच गया था। अरे गया यार, हाथ से गया ये तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक और एंचेंटेड गोल्डन एप्पल खा लेंगे हम लोग। अरे बच गया यार। आ रहा है नीचे। मुझे बस ये प्लेस करने दो। आग लग चुकी है, ये नीचे आ रहा है। गया। और ये गया नहीं। अरे गया, अभी गया भाई, अभी गया। ये लो भाई, ये लो। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ और वो चीज ऐसी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या मैं मल्टीप्लाइंग फर्नेस से गाइस इस अंडे को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्यों नहीं। तो गाइस यार देखो, मल्टीप्लाइंग फर्नेस से मैं इतना ज्यादा इंप्रेस था कि गाइस ड्रैगन एग से गाइस मैं पूरे आइलैंड को गाइस कवर करने वाला था। लेकिन यार ये देखो भाई साहब। नोनी
का बवासीर बना दिए हो। तो गाइस मल्टीप्लाइंग फर्नेस से मैं इतना ज्यादा इंप्रेस था कि गाइस मैंने ये देखो जहाँ पे ड्रैगन पर्स करने आता है उसके आजू बाजू का सारा एरिया गाइस मैंने ड्रैगन एग्स से गाइस मैंने सराउंड कर दिया है। इतने ज्यादा ड्रैगन एग्स मैंने क्रिएट किया और वो बीच में जो पिंक दिखाई दे रहा है गाइस वो है हमारे मल्टीप्लाइंग फर्नेसेस। एक टाइम पे काफी ज्यादा फर्नेसेस मैंने स्टार्ट कर दिए थे। पैसा बर्बाद यार गाइस, मैं पूरा का पूरा आइलैंड कवर करना चाहता था लेकिन यार सर्वाइवल में वो पॉसिबल है नहीं, मतलब काफी ज्यादा देर लग जाती। और भाई तुम लोग अगर स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो मेरी आवाज थोड़ी सी बदल चुकी है क्योंकि गाइस मेरी आवाज बोल बोल के बैठ चुकी है। तो चिल्ला क्यों रहा है? इसीलिए गाइस मैंने सोचा कि यार यहीं पे हम लोग रेस्ट करते हैं। तो गाइस आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे नहीं होते प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक करके ही जाना। सिर्फ और सिर्फ 25 लाइक्स का गाइस हमारा लाइक गोल है तो प्लीज लाइक कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड गुड बाय।